الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات प्यारे सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब को खैर व आफियत से रखे आज की वीडियो में सूरा रा ताहा आयात नंबर एक से लेकर आठ तक का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि वजीफा पढ़ने का नसाब और फजीलत व बरकत जान सकें प्यारे सामीन व नाजरीन वजीफ़ा बताने से पहले आप को कुरान पाक पढ़ने की फ़जीलत अहमियत के हवाले से अर्ज़ करते हैं हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सला वसल्लम को फरमाते हुए सुना कुरान पाक पढ़ा करो ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफात करेगा हज़रत माज़ रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने कुरान पाक पढ़ा और इस पर अमल कयामत के दिन इसके वालदे को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी तो तुम्हारा कुरान पर अमल करने वाले के बारे में क्या ख्याल है हज़रतानस से रिवायत है के ताजदार कायन फ़खर मौजूद सला वम ने इर्शाद फरमाया बेशक लोगों में कुछ अल्लाह वाले हैं सहबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्ला वसलम वो लोग कौन हैं जो अल्लाह वाले हैं तो नबी अक्रम सल्ला सल वसलम ने इर्शाद फरमाया कुरान पाक पढ़ने वाले कि यही लोगाश में शामिल हैं जिसकी ये ख्वाहिश हो कि वो लोगों की नज़र में मकबूल और मोहतरम हो जाए उसे चाहिए कि नमाज मगरब के बाद बावज़ु हालत में काबा शरीफ की तरफ मुँह करके बैठे और शराह तोा की आयत नंबर एक से लेकर आठ तक इशा की नमाज तक पढ़ता रहे शराह ताहा की आयत नंबर एक से आठ तक इशा की नमाज तक पढ़ता रहे फिर जमात के साथ इशा की नमाज अदा करें और इस पढ़ाई को 21 दिन तक जारी रखे यानी लगातार 21 दिन तक पढ़ता रहे आखिरी दिन शराह तहा की आयात एक त आठ तक को कागज़ पर लिखे और इन्हें कपड़े में लपेटकर बाजू पर बांध ले इस अमल को करने की वजह से वो लोगों की नज़रों में इन मकबूल हो जाएगा और वो जहाँ भी जाएगा लोगों को अपना मुश्ताक पाएगा और लोगों के दिलों में उसकी बेपना इज्जत पड़ जाएगी प्यारे सामीन व नाजरीन अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़त माल जान अबरू की हिफाजत फरमाए हमें पांच वक़्त नमाज अदा करने की तोफ़ी अदा फरमाए और कर्न पाक की तिलावत करने इसको समझने और इसे आगे तक पहुँचाने की तोफ़ी कता फ़रमाए प्यारे सामीन व हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक मिलता रहे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो नबी करीम सलात वाम की हदीस पाक का मफ़ूम है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है अल्लाह ताला हम सब का हामी हो नासिर हो अकुम वरहुल्ल वक